को काम कराओ, काम कराओ, हजारों कटी हुई बस्तियों का सुरक्षात्मक काम कराओ, सीमांचल के समस्याओं का करो समाधान, सीमांचल की 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 समस्याओं का करो समाधान, नदी कटाव से बचाव का काम कराओ, नदी कटाव से बचाव का काम कराओ, नदी कटाव से बचाव का काम कराओ, बाढ़ सुरक्षात्मक काम कराओ, बाढ़ सुरक्षात्मक काम कराओ, बाढ़ सुरक्षा के लिए हमारा प्रदर्शन कराओ, सीमांचल की समस्याओं का करो समाधान, सीमांचल की समस्याओं का करो समाधान, सीमांचल की समस्याओं का करो समाधान, घटाओग्रस्त परिवारों को मुआवजा दो, 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 सीमांचल के समस्याओं का करो समाधान, सीमांचल के समस्याओं का करो समाधान, सीमांचल के समस्याओं का करो समाधान, हिमालय की गोद से निकलने वाली पहाड़ी नदियां तेज कटाव के कारण वहां पर 4000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं। मानंदा, डोक, कनकई, मेछी, नूना, बकरा इत्यादि नदियों के किनारे हमारी दर्जनों बस्तियां कटकर विलीन हो गई हैं। आपदा नियमावली के तहत उनको मुआवजा भी नहीं मिला और ये सरकार जो कहती है कि हम इंसाफ के साथ तरक्की करते हैं, हमारे ग्रामों को सुरक्षा के लिए कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है, योजनाएं सैंक्शन नहीं कराई जा रही है। नतीजा है कि हर साल नदी बस्तियों को काट रही है, बर्बाद कर रही है और हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं। और यही वजह है कि नीति आयोग की रिपोर्ट है कि सबसे पिछड़ा किशनगंज है, सीमांचल है। इसका मतलब यह है कि आज भी सरकार हमारे लिए हमारा सुरक्षा पर काज नहीं करा रही है, उसी के लिए हम लोग की पूरी लड़ाई चल रही है। भाई समस्या बिहार की है, अगर कोरोना अगर अमेरिका से आ जाए तो बिहार हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, तो जी बात कर रहे हैं। अरे कहीं से भी आपदा आ जाए, वो आपदा अगर हमें प्रभावित करता है तो सरकार को काम करना जिम्मेदारी है। नेपाल से जो पानी आ रही है वो इंटरनेशनल स्तर पर इनका क्या उनके पास फैक्ट है, वो बात करें उनसे, लेकिन नदियों आती है, बारिश का पानी आता है और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा घनी नदियां हैं और सबसे कम जो जल संसाधन विभाग में राशि दी जाती है सबसे कम सीमांचल को दी जा रही है। सीमांचल में लगभग 4000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए हैं, वहाँ पर सैकड़ों बस्तियां हैं, नदी के किनारे बड़ी बड़ी नदियां हैं, मानंदा है, डोक है, कनकई है, मेठी है, परवान है, नूना है, इन नदियों के किनारे बस्तियां हर साल विलीन हो रही है और नतीजा ये है कि उनका घर बार रुक जाता है और नतीजा है कि वो पंजाब और हरियाणा फैमिली को लेकर चला जाता है। ऐसे परिवारों के विस्थापन के वो विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार कोई योजना नहीं बना रही है और जबकि आपदा नियमावली में पूरा उल्लेख है कि उनके गाय भैंस बकरी जो भी बह गई हो उनका मुआवजा दिया जाएगा। दर्जनों लोग हमारे यहाँ डूब कर मर रहे हैं और इसकी बड़ी